आगे 6:30 बज रहे हैं और हमारे दोस्त को हाइकिंग करनी है। तुम जल्दी भाई लेट हो गए। यार हाँ ना, तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पर कनाडा में जब से मूव हुए हैं हर कोई कहता है समर्स में हाइकिंग, तो लेट्स सी के एक्चुअली क्या मज़ा आता है हाइकिंग करके। बाहर अभी खैर आज टेम्परेचर शायद आई थिंक मॉर्निंग भी है कि विंडी है बाहर इन द मॉर्निंग, तो लेट्स सी कि हम कर भी पाते हैं या फिर गाड़ी में बैठ के वापस। लेट्स सी आगे चल रहा है। पार्किंग आगे बता रहे हैं नहीं कर लेंगे, बैठ लेते हैं आपको आगे देख लेते हैं जगह। तो चलिए शुरू करना है लेफ्ट या राइट? यार मेरे ख्याल से राइट पे चलते हैं हमेशा। राइट पे चलते हैं तो राइट यही था। ओके यही राइट। यहाँ पता चला कि यहाँ पे पॉइजनस प्लांट्स हैं। यार ये जंगल में जो है ना अजीब सी आवाजें आ रही है और अगर कोई कायोटी मिल गया तो भाई। यार ये जो है ना ये गलत है भाई, मैं वैसे मुझे डर लगता है। तो मनोज भाई आप बता रहे थे कि कायोटी कुछ होता है यहाँ पर जानवर, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि क्या होता है यहाँ पर। मैं तो खैर यहाँ के नाम सुना है, मुझे इससे पहले इस जानवर को नहीं पता। यार मुझे तो लगता है ये कुत्ते और वुल्फ के बीच के दरमियान की कोई चीज़ होती है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आई थिंक केसेस मैंने सुने कि दे कैन अटैक ह्यूमन बीइंग्स, सो लेट्स सी। मैंने सुना है कि पूरा का पूरा इंसान खा लेता है वो। यार अभी ये तुमने सुना नानी अम्मा के किस्से यहाँ सुना रहे हो। अकबर भाई आपको ये कार्ड चाहिए थी ना, ये ढांचा है गाड़ी का। मोड़ शुरू हो गया है, बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ऐसे मौके में वीडियोस नहीं बनानी चाहिए वैसे, बट खैर हाइकिंग का हमारा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर। सो व्हाट आई हैव हर्ड के यू गेट लॉस्ट एज वेल इन बिटवीन द फॉरेस्ट, अगर इफ यू हैव लॉस्ट योर पाथ। मनोज भाई कैसा फील हो रहा है आपको? यार बहुत मज़ा आ रहा है और आई थिंक हमें ये रेगुलरली करना चाहिए। नेचर की वजह से जो माइंड फ्रेश हो रहा है, जो हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिली, जो डिफरेंट आई थिंक प्लांट्स देखने को मिले, और ये प्योर ऑक्सीजन। सीरियसली वाकई सीरियसली वी आर हाइकिंग एक्चुअली, मतलब इट्स अ नॉर्मल वॉक, इट्स नॉट अ रेस टू फिनिश राइट। सो वो जो सुकून और एक सुकून आप जो ना सुबह के टाइम, और आई थिंक ये टाइम हमने बहुत अच्छा चूज़ किया। यार एक तो अकबर भाई आप तो कर ले, आप 30 के हैं और 40 साल की बॉडी है आपकी। यार यही डर है हम स्लिप ना हो जाए लेकिन बट स्लोली ध्यान से। आप ही को फॉलो करना था उस चाइनीज लड़के को। बर्ड्स वाले का सीज़न है। वी मेट सम फोटोग्राफर्स, लेट्स सी सम ब्यूटीफुल क्लिक्स। एनी अदर? Wow, these are tree swallows. Yeah, they are tree swallows. Great shots. Nice. Oh, this is a coyote. Yeah, this is coyote. Yeah, that's coyote. Yeah, that's coyote. That's coyote. It's not. Exposure to it. Oh. Great. Yeah, I said that they are. When they saw you, they were on the grid. Yeah. Hi friends, हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ के हाइकर से पता चला कि देयर आर कायोटीज़। तो ये इन्होंने यहाँ पर डोर्स भी लगाए हैं जो नॉर्मली इसको बंद करके लोगों को इन केस। अकबर, यहाँ तक पहुँचना है। सो कुछ लोग आपको भागते हुए भी दिख रहे हैं। एक्चुअली मनोज ने हमें थोड़ा ज़रा आउट ऑफ ट्रैक कर दिया और अब लेट्स सी कि हम किस रास्ते से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। या तो हमें वापस जाना पड़ेगा थोड़ा, ये थोड़ा जो है ना क्या कहते हैं, रिवर भी जा रहा है, इसके भी थोड़े नज़ारे करीब से लिए जा सकते हैं। जगहों पे मनोज लेके जा रहा है, इट्स नॉट दैट ईजी। लेट्स सी के हम नीचे पहुँच पाते हैं, यानी हमने जाना वहाँ पर है, मंजिल हमारी वो है। डर तो लग रहा है दोस्त। आई थिंक ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है कैमरा, जो क्या कहते हैं जितना स्टीप ये है। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि और हम शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काफ़ी स्टीप है, जो कि शायद कैमरा उस तरीके से कैप्चर नहीं कर रहा है। क्या हुआ मनोज, थक गए हो क्या? यही होता है जब ज़िंदगी में कभी पैदल चले ना हो और यहाँ आके जब हाइकिंग करने शुरू करते हैं तो लोग जो है ना 5 से 10 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, सांस फूलने लग जाती है। ये स्टैमिना लेवल है। बात तो सही है। के करीब पहुंच चुके हैं और टीम को देख रहे हैं। सो ये अभी हम एक दरिया के किनारे आए हैं, बैठे हैं। अच्छा, मेरा एक क्या कहते हैं डेयर चैलेंज है मनोज। तुम्हें इस पानी में जो है ना जस्ट पूरा तो नहीं नहा सकते ऑफकोर्स अभी, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट अगर तुम सिर्फ अपने शूज़ उतार के जो है ना खड़े हो सको तो दैट विल बी ग्रेट। मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देख के, और तुम्हारे एक्सप्रेशंस को जो है ना देख के हमें अच्छा लगेगा कि आप क्या फील करते हैं। यार मैंने 2 सेकंड के लिए हाथ रखा था। तो आई थिंक बाहर ऑलरेडी शायद -1 है और पानी का टेम्परेचर इस वक्त अराउंड -5 to -7 होगा। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट फ्रीजिंग वाटर। ब्रिज के नीचे ले आया जिस पे चाइनीज ने बोला था यहाँ कायोटीज है, यहाँ पर कायोटीज है। और आई डोंट नो ये मनोज को क्या इंटरेस्ट है कायोटीज देखने का, जबकि कैमरे में ऑलरेडी हमने जो है कैप्चर कर चुके हैं उसके कैमरे, उसने जो फोटोज ली वो। लेकिन यार हाइकिंग का जो मज़ा आ रहा है ना आज, हमने शायद मैंने कभी शायद लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है कि हम गए नॉर्दर्न टूअर्स पे, उसकी ब्यूटी अनडाउटली अच्छी है, लेकिन अकेले हाइकिंग करना इट्स अमेजिंग। स्पेशली जो फॉरेस्ट और जो है कहते हैं रिवर का व्यू और खामोशी, और क्या कहते हैं जो ये अपना खामोशी, तन्हाई, बेबसी। अकबर को सारे अपने पुराने दिन याद आ गए। नहीं। हाइकिंग के बाद अब हम सुकून से बैठे हैं एक जगह पर, एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट लाइक मेडिटेशन, जहाँ कोई भी नहीं हो और नेचर की आवाज़ें हों, बर्ड्स की स्वीट स्वीट सा म्यूज़िक हो और स्लो ब्रीज आपके बॉडी से गुजर रही हो। तो ये एक्सपीरियंस आई थिंक शायद हमें लाइफ में बहुत मुश्किल से मिले हैं। तो व्हाट डू यू से अकबर? तो भाई गुम हो चुके हैं। हाँ यार, नहीं वाकई में, खैर ये जो अभी सीनिक व्यू और जो वाइब है ना, फील, ये वाकई में दैट्स अमेजिंग। आई थिंक इट्स लाइक अनएक्सप्लेनेबल बट बेहतरीन। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आपको कैप्चर कर रहा था। ये जो है ना, हमने नाकाम कोशिश की है एक बंदर की तरह इसके ऊपर चढ़ने की। चढ़ सकता हूँ लेकिन इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास। अकबर भाई ने अपना वॉलेट गिरा दिया। हाँ भाई, सही सलामत है। चलो वो फेक बिल बाद में क्लेम कर लो। तो दोस्त, अब ये टाइम आ चुका है मनोज को अपने कर्तव्य दिखाने। अच्छा खैर, यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है हमें क्रॉस करने का, तो हमें इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी कि मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं जा सकता हूँ। कौन सी बोल फिर भी ओह खैर ये बताओ कि तुम बता रहे थे कि कैनेडियन गवर्नमेंट किस तरीके से है और हमें खैर ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की ये खास बात है कि ये बहुत एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हैं। इसलिए आप देखें ना, इन्होंने ये एरियाज कंजर्व करे हुए। काश पाकिस्तान भी या इंडिया इस तरह अगर करता तो वहाँ पे भी बहुत सारे हाइकिंग के ट्रेल्स होते हैं। हाँ, जाना पड़ता। मैंने ये भी सुना है कि कुछ सिटीज़ में तो शायद ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप फॉरेस्ट और स्टिल मतलब ऑल्दो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इनके पास घर बनाने हैं, लेकिन हर सिटी में आपको लगेगा मतलब सिटी फुल हो चुका है, लेकिन स्टिल वहाँ पर ये फॉरेस्ट इनका बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि आपने एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है ना वो ग्रीनरी मेंटेन रखनी है। तो बट एक बात का दुख होता है कि हम इतना सारे ट्रीज काट देते हैं। आई थिंक ये नेचुरल ब्यूटी है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है यार। तो हमें आज हाइकिंग का मज़ा आया है। और अगर आप ट्रीज काट के खैर बहुत सारे कंट्रीज ऐसा करते हैं कि आप उसके अगेंस्ट उसकी कहीं और जाके किसी और जगह पे आप उतने ही ट्रीज़ या उससे मल्टीपल्स में जो है आप क्या कहते हैं उसको लगाएँ। तो खैर ओवरऑल हमारा ट्रिप ये आज यहाँ पर ट्रेल जो है वो तो ख़त्म होता है, बट इट वाज अ नाइस ट्रिप आई वुड से। हाँ, एडवेंचर भी अच्छा था और हम खैर थक भी गए बहुत। मेरा तो खैर आज रोज़ा भी था, रोज़ा थका दिया। खैर 30th रोज़ा जो इस तरीके से गुजरा तो आई थिंक इट वाज अ गुड एंड ऑफ रमज़ान एंड बेस्ट डिसीजन। हाँ, तो वी आर नाउ इन द पास। ओके, सी यू गाइस।